हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिज़ाइनपुर में। तो आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताऊंगी। तो ये देख लीजिए, मैंने ये बकरम लिया है। अब मैं इस पे पहले मार्क कर देती हूँ। तो 3 इंच पे हम एक मार्क करेंगे चौड़ाई रखते हुए, और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर देंगे। अब इसको पहले मैं बराबर में एक स्ट्रेट लाइन बना देती हूँ। अब गले का लेंथ लेंगे तो मैं 10.5 इंच में मार्क कर देती हूँ। अब 1 इंच पे एक और मार्क करेंगे साइड से। अब यहाँ से मुझे डिज़ाइन का मार्क करना है, तो वीडियो में आप देख लीजिए कि मैंने डिज़ाइन की मार्किंग कर दी है। अब इसी जगह से हम बकरम को कट करेंगे। ये देखिए, मैंने बकरम की कटिंग कर दी है। अब नीचे के साइड से हम सेट कर देते हैं बकरम को। इसको हम अच्छे से पूरा बकरम को सेट कर लेंगे। तो मैंने बकरम की सेटिंग देखिए कर दी है। अब मैंने ये अस्तर दिया है। अब इस पर मैं जो बकरम अभी कट किया उसको बराबर में देखिए रख दिया है। अब इसको हम इसके साथ में ज्वाइंट कर देते हैं। तो मैं किस तरीके से ज्वाइंट कर रही हूँ बकरम के साथ अस्तर और बकरम को, दोनों को आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। सेम इसी तरीके से आप भी ज्वाइंट कर लीजिएगा। देखिए, मैंने अच्छे से पूरा बकरम को स्टिच कर दिया। अब इसको मैंने ब्लाउज़ का अस्तर लिया है, उसके साथ में हम ज्वाइंट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मोटा वाला अस्तर यूज कीजिए, क्योंकि हमारा ये कपड़ा जो है थोड़ा ट्रांसपेरेंट है। मुझे ट्रांसपेरेंट कपड़े में डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से बकरम और अस्तर को ज्वाइंट कर दिया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक गले में, उसको हम कट करके पूरा निकाल देंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा डिज़ाइन। अब पूरा हम कट्स लगा देंगे। जहाँ से हमारा डिज़ाइन है उसके बीच में बिल्कुल कट्स लगा दीजिएगा। अब इसको हम पलट कर, सॉरी, पीछे के साइड कर देंगे इसे पलट कर। अब एक सिलाई लगा के फिर से हम गले को स्टिच कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कैसे मैं गले को स्टिच कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आप भी गले को स्टिच कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से डिज़ाइन को बिल्कुल बनाते हुए सिलाई लगा के पूरा स्टिच कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए कम्प्लीटली पूरा स्टिच कर दिया है अच्छे से इसको पूरा। अब हम नीचे के साइड से जो बकरम हमारा है, इस पे जो अस्तर है, इसको साइड से फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर देंगे पूरा। तो वीडियो में देख लीजिए, इसको हम नीचे के साइड अच्छे तरीके से पूरा फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। इससे हमारा अस्तर पूरा फोल्ड होके आ जाएगा बाहर के साइड से, नीचे के साइड हमारा पूरा फैब्रिक चला जाएगा। ये देख लीजिए, मैंने पूरा फोल्ड कर दिया है। अब नीचे के साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक्स निकाल देंगे कट करके, और ये मेरा देखिए कंप्लीट ये बन चुका है। मैंने कपड़ा ले लिया है ब्लाउज़ का, इसको बिल्कुल बराबर में कर देंगे। अब एक सिलाई लगा के हम अच्छे से ब्लाउज़ के कपड़े को इसके साथ में ज्वाइंट कर लेते हैं। तो बिल्कुल बराबर में इसको स्टिच कर लीजिएगा। कहीं से भी आप ऊपर नीचे मत कीजिएगा कपड़े को। हमारा गला भी बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। ये देखिए, मैंने कम्प्लीटली पूरा गला ज्वाइंट कर दिया है। अब पूरे ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेते हैं। अब इन दोनों को बिल्कुल बराबर करते हैं, अस्तर और कपड़े को स्टिच कर देंगे। तो मैंने देखिए कम्प्लीटली पूरा स्टिच कर दिया है बराबर करते हुए। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग चलिए कर देते हैं हम। तो 3 इंच की चौड़ाई रखते हुए यहाँ से मार्किंग कर देंगे, और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क कर लेंगे। अब इसको हम बराबर लाइन कर लेते हैं।
अब गले का लेंथ की साइज लेंगे तो 10 इंच पे मार्क कर देते हैं, इसको बराबर कर देंगे। अब गले की गोलाई 1 इंच पे कर लेंगे हम। तो मैंने देखिए बिल्कुल राउंड में मार्किंग कर दी है गले की। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो मेरा गला देखिए कट चुका है। अब इस पे मुझे गले को बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इसकी हम क्रॉस में कटिंग कर लेते हैं पट्टियों को, जिससे पट्टियाँ हमारी स्ट्रेच बन रहे हैं। वीडियो में देख लीजिए मैं पट्टियों को कट कर रही हूँ कैसे। तो मेरी पट्टियाँ कट चुकी है। अब इसको एक दूसरे के साथ में हम जॉइंट कर देंगे सबको। मैंने पूरे पट्टियों को देखिए ज्वाइंट कर दिया। इसको मैंने साइड से कट कर दिया। अब डबल फोल्ड करके हम इसको स्टिच कर देंगे पूरा। तो मैंने देखिए कम्प्लीटली पूरा पट्टी की स्टिचिंग कर दी है। अब इसको मैं गले पे पहले स्टिच कर देती हूँ, रख के पूरा अच्छे तरीके से हम गले पे रखते हुए इसको पूरा स्टिच कर लेंगे गले के साथ में। तो मैंने देखिए इसको गले के साथ में ज्वाइंट कर दिया है। अब नीचे के साइड से हम इसको फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा के स्टिच कर देंगे। मैंने देखिए पूरा स्टिच कर दिया है गले को कम्प्लीटली। अब इसके मुझे डेकोरेशन करना है, तो मैं लैस ले लेती हूँ और गले पे लगा देती हूँ। तो कहाँ से लैस को मुझे स्टिच करना है आप वीडियो में देख लीजिए। सेम इसी जगह से आप भी लैस को स्टिच कर दीजिएगा पूरे डिज़ाइन पे। जिस तरीके से हमारा डिज़ाइन है उस तरीके से स्टिच कीजिएगा, और कॉर्नर में बिल्कुल अच्छे से इसको फोल्ड करते हुए लैस को कॉर्नर बनाते हुए फिर स्टिचिंग कीजिएगा। चलिए इस साइड से पहले मैं लेस पूरा लगा लेती हूँ, फिर आपको दूसरा साइड का बताती हूँ। एक साइड से मैंने कम्प्लीटली कर दिया है, दूसरे साइड से बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से स्टिच कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने पूरा कम्प्लीटली लेस लगा दिया है गले पे। अब इसको मुझे डेकोरेट करना है, तो चलिए मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने फ्लावर लिया है, इसको एक दूसरे के बराबर में अच्छे तरीके से हम फ्लावर को रख देते हैं। ये देख लीजिए मैंने फ्लावर को ज्वाइंट कर दिया है ब्लाउज के साथ में। मेरा ब्लाउज डिज़ाइन कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाला ब्लाउज है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा आप बनाएंगे इसको। अगर मेरी ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी। अपने फ्रेंड के साथ इस डिज़ाइन को शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल डिज़ाइनपुर पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इसको अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मेरे ऐसे ही डिज़ाइनर ब्यूटीफुल ब्लाउजेस एंड ड्रेसेस की नोटिफिकेशन आप पास सबसे पहले पहुंच सके जब मैं वीडियो को अपलोड करूं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ जो आपको बहुत ही अच्छा लगे। तो ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।